लगता है वो इस समय नहीं है। आप सब जानते हैं इनकी भूमिका को। महानगर की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के सभी सम्मानित कलाकार बंधुओं और जिस मंच पर हम सब खड़े हैं, रंगाश्रम की संस्था, उसके संस्थापक और उसकी निरंतर बदलने वाली कलाकारों की एक बहुत लंबी श्रृंखला, सभी नौजवान दोस्तों, कार्यक्रम के संचालक भाई चौहान जी और आयोजक जिनका पूर्व मैंने परिचय दिया, अब कदम रखे हैं तो कुछ तो होगा ही। गोजये के वर्तमान अध्यक्ष, हम सब के मित्र, युवा उत्साही भाई रत्नाकर संधि। दोस्तों, दिन भी जब यह आंदोलन शुरू हुआ होगा तो सोच के रखा गया होगा 23 मार्च का। 23 मार्च को हम सब याद करते हैं देश की आजादी के लिए सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने वाले, अडिग होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले, बिना समझौते के जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देना अपने लिए श्रेयस्कर समझा, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के इस शहीद दिवस पर आपने इस संस्था की स्थापना किया। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन आज भी मानता हूं कि आजादी के बाद देश का जो पहला विचारक मौलिक रूप से कभी आया वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। आज का दिन 23 तारीख का दिन उनका भी जन्मदिन होता है। आपने उस दिन इस संस्था की संस्थापना शुरू की और अपना आंदोलन शुरू किया, उसका कोई निहितार्थ तो रहा ही होगा, और न रहा होता तो ये मजाक नहीं है जो 23 साल तक हर साल कम से कम 52 सप्ताह तो कम से कम आते हैं, हर सप्ताह शनिवार के दिन अनवरत बिना थके हुए, बिना निराश हुए, बिना उदासीन हुए, इस बात की चिंता किए बिना कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें जीत की ओर ले जाने वाली है या हार की ओर। हमारे यहां कहा जाता है शास्त्रों में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। इस बात की चिंता के बिना कि जीत हमें मिलने वाली है या हार, यश मिलेगा अपयश, सुख मिलेगा या दुख, नौजवानों की श्रृंखला ने जो पिछले मैं इन्हें